दोस्तों, आज मैं आपके सैमसंग के डिवाइस का कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि चेंज होके आए हैं। और ये फीचर पहले आपको कहीं और मिलते थे, लेकिन अब आपको कहीं और मिलेंगे। और अब जो है, आप इसे और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर पाएंगे अपने सैमसंग के डिवाइस की। ठीक है, तो कोई भी सैमसंग का डिवाइस होगा तो आपने कैसे अपने डिवाइस को कस्टमाइज़ करना है, ये ऑफिशियल फीचर है आपके डिवाइस का। तो मेरा वीडियो यहाँ पे पूरा आपने ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ये फीचर। ठीक है, और मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK न्यूज़ टेक चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये फीचर आपको मिलेगा कहाँ पे? ये फीचर आपके गुड लॉग एप्लीकेशन का फीचर। ठीक है, गुड लॉग एप्लीकेशन। तो अगर आपने पबजी मोबाइल डाउनलोड नहीं किया है, बैटल ग्राउंड इंडिया, तो मैं जो है आपको प्रीवियस वीडियो मैंने जो कल बनाया था, मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखिए, आप बैटल ग्राउंड इंडिया को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, कैसे किया मैंने। फिलहाल आप गुड लॉग एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद पहले मैं आपको एक फीचर यहाँ पे दिखा देता हूँ जो अभी काफ़ी कमाल का है। ठीक है, वो कौन सा है? मैं आपको गुड लॉग एप्लीकेशन यहाँ पे बंद करता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन अपने नोटिफिकेशन बन को नीचे कर दूंगा, 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे मिलता है नीचे बटन ग्रिड का ऑप्शन। ठीक है, आपको ये 4 ऑप्शन तो मिलते हैं, लेकिन बटन ग्रिड का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा तो हमारे जो बैक जो ये ग्रिड के बटन हैं उनका वो जो एरिया था वो ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, पहले 4 में आ रहे थे, अब ये 5 रो में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं इनको और ज़्यादा बड़ा भी कर सकता हूँ बटन ग्रिड में जाके, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ कर दूंगा तो और ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपने नोटिफिकेशन पैनल को इस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर आपने इनेबल कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, या अगर आपके डिवाइस में ये नहीं है तो उसके लिए आपको गुड लॉक एप्लीकेशन जाना होगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है क्विक स्टार्ट पर जाना है। ठीक है, फिर क्विक स्टार्ट पर यहाँ पर ऑन करना भी शो क्विक बटन ग्रिड, ये ऑप्शन आपने यहाँ से सिंपली यहाँ से ऑन कर देना है। तो ये फीचर आपको यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो मैं एक और फीचर यहाँ पे दिखाऊंगा गुड लॉक एप्लीकेशन का, वो है हमारा जैसे कि आपका नोटिफिकेशन पैनल था, आपका वॉल्यूम पैनल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन थीम पार्क में जाके कर सकते हैं। वो कैसे? थीम पार्क जो एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपने जाना है गुड लॉक एप्लीकेशन में। फिर आपको यहाँ पे कीबोर्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप। पहले तो आपकी थीम भी बना सकते हैं अपनी, क्विक पैनल को अपने को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। ठीक है, अपने क्विक पैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर दूंगा, तो बैकग्राउंड को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप, कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कस्टमाइज़ कर सकते हैं कुल मिला के। ठीक है, समझ गए ना। उसे वॉल्यूम पैनल को आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो अपने वॉल्यूम पैनल वाले ऑप्शन में जाना है, तो आप वॉल्यूम पैनल का कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह बैकग्राउंड चेंज कर दिया आपने। ठीक है, इस तरह कोई भी कलर आपका फेवरेट कलर रहेगा यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कलर वाले ऑप्शन में जाके। ठीक है, तो बहुत ही कमाल का फीचर है और ये आफ्टर अपडेट यहाँ पे चेंज होके आया है। तो अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं इजीली। तो मैं ऐसा करता हूँ, आज का फीचर आपको बढ़िया लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और मैं गुड लॉक एप्लीकेशन का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।